मैं जानना चाहूंगी कि मैं अपनी नींद का कोटा कैसे कम कर सकती हूँ और अपनी नींद की क्वालिटी कैसे बेहतर कर सकती हूँ। स्लीप इज नॉट अ रिक्वायरमेंट इन वन्स लाइफ। देखिए, आपके जीवन में नींद की कोई जरूरत नहीं है। शरीर को जरूरत है आराम की। नींद बस आराम का एक तरीका है। वन फॉर्म ऑफ रेस्ट। लॉट ऑफ पीपल आर बिगिनिंग टू थिंक। बहुत से लोग सोचते हैं तमिलनाडु में अगर कोई कहता है वो आराम कर रहा है, इसका मतलब है वो सो रहा है। जरूरी नहीं है, आप बैठकर आराम कर सकते हैं, है ना? Yes. आप खड़े होकर भी आराम कर सकते हैं। आप दौड़ रहे हैं, अगर आप खड़े हो जाएं तो क्या आराम नहीं मिलता? आप खड़े हैं, अगर आप बैठ जाएं तो क्या आराम नहीं मिलता? आराम करने के कई तरीके हैं। सबसे अहम बात यह है कि आराम के दौरान आप ऊर्जा का समीकरण बदल रहे हैं, जहां खपत घटाई जा रही है लेकिन उत्पादन उसी स्तर पर जारी है, तो कुछ समय के बाद आप ऊर्जान्वित महसूस करते हैं क्योंकि खपत घटा दी गई है। आप बस ऊर्जा के समीकरण को मैनेज कर रहे हैं। तेजी से काम करने के दौरान खपत अधिक होती है, उस समय आपका उत्पादन पर्याप्त नहीं है। आप कुछ ही समय में थकान महसूस करेंगे क्योंकि खपत अधिक हो रही है। अगर आप खपत घटाकर उत्पादन बढ़ा देते हैं तो कुछ देर बाद आप ऊर्जान्वित महसूस करेंगे। मान लेते हैं कि आप दौड़ रहे हैं, एक मील दौड़ने के बाद आप एक कदम भी नहीं उठा पाते। आप में से बहुत से लोग ईशा मैराथन के लिए दौड़ते हैं, 40-42 किलोमीटर की दौड़। एक दो मील दौड़ने के बाद आप एक और कदम भी नहीं ले सकते। लेकिन कुछ मत खाइए, कुछ मत पीजिए, बस 10 मिनट के लिए बैठ जाइए। आप फिर से तैयार और पुनर्जीवित हो जाएंगे, है ना? All you have done is... आपने बस अपनी खपत को घटाया है, उत्पादन तो अभी भी उतना ही है। तो अब आपके पास खपत घटाने और उत्पादन बढ़ाने के तरीके भी मौजूद हैं। अगर आप एक तरह से आराम की अवस्था में आ जाए, आराम की अवस्था से मेरा अर्थ क्या है ये कई लोग कभी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि ज्यादातर लोग हमेशा बेचैन रहते हैं। अगर आप पूरी तरह से सहज हो, अगर आपका सिस्टम पूरी तरह से सहज हो, तो हर चीज आराम में होगी। अगर यह सहज है तो यह हमेशा आराम में होगा, क्योंकि पूरे दिन ही यह आराम में रहा है। अगर आप दोपहर में सो जाएं, तो क्या आपने देखा है कि आप रात को ज्यादा नहीं सो पाते? Yes. ओ, आप तो पहले से ही प्रयोग कर रहे हैं। अगर आप दोपहर में सोते हैं तो आप रात को ज्यादा नहीं सो सकते। अगर आप बीमार हैं या किसी कारण से बहुत थके हुए हैं, केवल तभी आप सो पाएंगे, क्योंकि अगर दिन में इसने आराम कर लिया तो ये रात को नहीं सो पाएगा। तो जरूरी नहीं है कि आप सोएं, यहां बैठे हुए भी अगर आपका शरीर आराम कर रहा है तो आप देखेंगे कि आपकी नींद का कोटा अपने आप कम हो जाएगा। How to increase the quality of sleep? अपनी नींद की क्वालिटी को बेहतर बनाने की कोशिश न करें। जीने का आदर्श तरीका तो ये होगा कि सोने की जरूरत ही ना हो, पर अभी ऐसा संभव नहीं है। शरीर में अभी भी थोड़ा जड़त्व है, तो ये थोड़ा बहुत सोएगा, बाकी के समय ये आराम में रहेगा। अगर आप इसे आराम में रखें तो शरीर को नींद की जरूरत तब तक नहीं पड़ेगी जब तक वो बुरी तरह से थक नहीं जाते। तो शरीर आपसे नींद कभी नहीं मांगता, लेकिन आराम जरूर मांगता है। अगर आपको आराम के साथ बैठना नहीं आता तो ये ऐसे आराम करना चाहेगा। अगर आप यहाँ पूरी तरह से आराम के साथ बैठते हैं तो ये कई घंटों तक बैठा रहेगा नींद के झोंकों के बिना, वरना इसे आराम करने का बस यही एक तरीका पता है। तो अपनी नींद की क्वालिटी बेहतर करने की कोशिश न करें, ऐसा कुछ नहीं होता। बस अपने शरीर को आरामदायक अवस्था में और सहज रखना सीख लें। अभी यहाँ बैठे हुए एक आसान चीज आप कर सकते हैं। यहाँ आकर बैठने के बाद
आप बस अपना ध्यान अपने सिर के ऊपरी हिस्से से लेकर पैर की उंगलियों तक ले जाएं और ध्यान दें कि शरीर का हर हिस्सा सहज और आरामदायक अवस्था में हो। क्या आप ऐसे बैठे हैं? आप जब भी बैठें, इसे जितना हो सके उतना आराम में ले आएं। आप हर चीज के प्रति तो जागरूक नहीं हैं, लेकिन जितना हो सके उतना इसे सहज कर लें। आप अचानक पाएंगे कि अगर आप रात 10 बजे सोते थे, अगर आप बस एक घंटे सहज होकर बैठें, तो आपको नींद अब आधे घंटे देर से आएगी। आपको 10 बजे सोने का मन नहीं करेगा, स्वाभाविक रूप से आप जागृत रहेंगे। तो अपनी नींद की क्वालिटी बेहतर बनाने के बजाय स्लीप क्वालिटी आप अपने जीवन की क्वालिटी बेहतर कीजिए। जीवन की क्वालिटी बेहतर करने का अर्थ है, आप अपने जीवन में चाहे कुछ भी कर रहे हों, सांस लेने जैसी सरल चीज से लेकर आपके जीवन की जटिल गतिविधियों तक, उसकी क्वालिटी बेहतर नहीं होगी अगर आप उसे आराम के साथ नहीं कर पाते। कैसा है? जब आप किसी काम को पूरी सहजता के साथ कर पाते हैं, मान लेते हैं कि आप साइकिल चला रहे हैं, अगर आप ऐसे साइकिल चलाते हैं तो आपको साइकिल चलाने में मज़ा नहीं आएगा। अगर आप इसे सहजता से चलाते हैं, इतनी सहजता से कि हाथ छोड़ने पर भी ये सीधी ही जाएगी जैसी आप चाहें, आप बिल्कुल सहज होंगे। चूंकि आप बिल्कुल सहज हैं, आपके साइकिल चलाने की क्वालिटी बेहतर हो गई है ना? तो ये दोनों बातें आपस में जुड़ी हुई हैं। तो अगर आप जीवन की क्वालिटी बेहतर करते हैं तो नींद के घंटे अपने आप कम हो जाएंगे। अगर आपके जीवन की क्वालिटी गिरती है, अगर आप कोई भी काम सहजता से नहीं कर पाते, तब भी आप सो भी नहीं पाएंगे। लेकिन नींद नहीं आ रही है तनाव की वजह से। ऐसा नहीं है कि पर्याप्त आराम मिलने के कारण नींद नहीं आ रही है। नींद नहीं आ रही है क्योंकि आप तनाव में हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप ज्यादा दिन नहीं जी पाएंगे। अगर आपके शरीर को पर्याप्त आराम नहीं मिलता तो ये टूट जाएगा, बिखर जाएगा, कुछ ना कुछ तो टूटेगा। अगर आप आराम या ईज में नहीं हैं, तो इसका मतलब है कि आप डिस ईज में हैं। आप वहीं जा रहे हैं, आप डिसीज में हैं, यानी आप बीमार हो रहे हैं। अगर हम कहें कि आप डिसीज्ड हैं, मतलब आप मर चुके हैं। तो डिसीज की दिशा में ना बढ़ें, ईज या सहजता की दिशा में बढ़ें। अगर आप पूरी तरह से सहज हो जाएं, तो नींद का कोटा अपने आप कम हो जाएगा। नींद की क्वालिटी बेहतर हो जाएगी क्योंकि जीवन की क्वालिटी अच्छी है। आप केवल अपनी नींद की क्वालिटी बढ़ाना चाहते हैं, जीवन ऐसे काम नहीं करता। अगर आप सुबह अच्छी तरह सोकर उठें, तो रात में भी आप अच्छे से सोएंगे। ऐसे कई तरीके बनाए गए लोगों को ये सब देने के लिए। पूर्वी संस्कृतियों में, खास तौर पर भारत में, ये सभी तरीके हर किसी के जीवन में शामिल किए गए। हालांकि लोग इन्हें फेंक रहे हैं क्योंकि वो मॉडर्न हो गए हैं। मॉडर्न होने का मतलब है तनाव में होना, हमेशा टेंशन में होना, एजिटेटेड होना, हर चीज से परेशान रहना, तभी आप मॉडर्न कहलाएंगे। वरना पारंपरिक तौर पर ये सभी चीजें जीवन का हिस्सा थीं। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक आपको क्या करना चाहिए, खुद को कैसे रखना चाहिए, सब कुछ पहले से तय था। इस पीढ़ी की शुरुआत होने तक हर कोई जागरूक था। अचानक सब ने अंग्रेजी पढ़ ली और वो मॉडर्न और तनावग्रस्त हो गए। वरना इसे कहा जाता था आचार विचार, क्या करना है क्या नहीं करना। सुबह से लेकर शाम तक जीवन के हर पहलू में क्या करना है। अगर आप जीवन ऐसा बना लें, तो आप सब कुछ सहजता से करेंगे, जितना संभव हो उतनी सहजता से। तो वो लोग जो अपने जीवन को योग और आध्यात्मिक प्रक्रिया के लिए समर्पित नहीं कर सकते थे, उनके लिए संस्कृति में ही सब निर्धारित था। कम से कम आप में इतनी सहजता तो हो कि आप सुबह खुशी के साथ जागें और रात को अच्छे से सोएं। Even today, आज भी अक्सर भारत में लोग कहते हैं, अगर कोई कहता है मेरे जीवन में ये हो गया वो हो गया, वो कहते हैं वो सब ठीक है, लेकिन जब मैं लेटता हूं तो मैं आराम से सोता हूं। हो सकता है कि उसके पास बहुत पैसा हो, लेकिन मैं चैन की नींद सोता हूं। आपने सुना है, लोग ऐसा कहते हैं, आपने अक्सर सुना होगा, मैं चैन की नींद सोता हूं, यानी मैं सुखी हूं, मैं अच्छे से जीता हूं, इसीलिए मैं अच्छे से सोता हूं। अगर मैं अच्छे से नहीं जीता तो मैं अच्छे से नहीं सो सकता। तो अपनी नींद की क्वालिटी को बेहतर करने की कोशिश ना करें,
अपने जीवन की क्वालिटी में सुधार लाएं, फिर आपको स्वाभाविक रूप से बढ़िया नींद आएगी।